हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी दुनियानवी दामद बरकात उम्मत आलिया की खिदमत में नेक सौगात पेश करते हैं और अपनी और पूरे इलाके और तमाम इंसानियत दोस्त अफराद की तरफ से इन हजरात की खिदमत में दिल की गहराइयों से पुरतपाक हरिय तशक्कुर पेश करते हुए खैर मकदम करते हैं। ज़बानी नसाब ABC ये मुस्लिम बच्चों में और बच्चियों में दीनी शुऊर बेदार करने और इससे आगे बढ़ कर के कुव्वत फिक्र अमल पैदा करने के लिए इंतहाई अंग्रेजी से और जाफिशानी से तैयार किया हुआ एक हसीन मजमूआ है जो इंतहाई मुफीद और मुअस्सिर है। इस किताब का सबसे पहला मरहला तो बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए निसाब की तैयारी का था। जिन लोगों ने इसे पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या आप हज़रात जो आप इसे देखेंगे और सुनेंगे तो ये बात महसूस होगा कि ये मजमूआ किसी माहिर नफ्सियात और तबीब हाजिक की तरफ से इंतहाई अखर साहब का तशरीफ करते हैं माइक्रोफोन पे आए और अपने तासुरात दो तीन मिनट के अंदर हमारे सामने रखें। بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد ثنا کے بعد ہم انتہائی شکر گزار ہیں تمام مسلمین کے جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی ہے اور دور دراز اور علاقے سے آئے ہوئے تمام مہمان بطور خاص حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی دنیانوی دامت برکات امت عالیہ کی خدمت میں نیک سوغات پیش کرتے ہیں और अपनी और पूरे इलाके और तमाम इंसानियत दोस्त अफराद की तरफ से इन हजरात की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुतबाक हरिय तशक्कुर पेश करते हुए खैर मकदम करते हैं। ज़बानी नसाब ABC ये मुस्लिम बच्चों में और बच्चियों में दीनी शुऊर बेदार करने और इससे आगे बढ़ कर के कुव्वत फिक्र अमल पैदा करने के लिए इंतहाई अंग्रेजी से और जाफिशानी से तैयार किया हुआ एक हसीन मजमूआ है जो इंतहाई मुफीद और मुअस्सिर है। इस किताब का सबसे पहला मरहला तो बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए निसाब की तैयारी का था। जिन लोगों ने इसे पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या आप हज़रात जो आप इसे देखेंगे और सुनेंगे तो ये बात महसूस होगा कि ये मजमूआ किसी माहिर नफ्सियात और तबीब हाजिक की तरफ से इंतहाई हाजिर दिमागी के साथ तैयार किया गया है। दूसरा मरहला इसकी प्रूफ रीडिंग का था। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इदारे के मुंतजमीन का बतौर खास हज़रत मौलाना मोहम्मद शाइस्ता हुसैन नदवी हफ़िज़हुल्लाह का कि उन्होंने मुझे भी ये मसौदा दिया और हमने इसको पहले सरसरी पढ़ा फिर तहकीकी निगाह देखी फिर तनकीदी निगाह देखी और बार बार पढ़ा और कई मरतबा पढ़ा और फिर उसके बाद जो कि हमारे दरमियान में गुफ्तगू हुई वो हमने इनके सामने मशवरे के तौर पर रखा और वो कई बारीक छन्नियों से छाल करके ये किताब आप हज़रात की खिदमत में पेश की गई है। दूसरा और तीसरा मरहला इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग का था। माशाल्लाह दारुल कोकरन के माहिर तजवीद और माहिर क़िरात के उस्ताद भाई साहब की निगरानी में और उनकी आवाज़ दे करके हम लोगों ने उसमें मिल करके उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की। चौथा मरहला है इसके इस किताब को निसाब के अंदर शामिल करने का। मैं चूँकि एक बड़े इदारे दारुल उलूम अरबिया से जुड़ा हुआ हूँ और हमने अपने वहाँ पर बच्चों को ये चीज़ तराने के वक्त में भी दी है और बाद बच्चों को मकतब के एक घंटा उनके लिए मुख्तस किया है। जब आखिरी सालों में हम लोग इनका मुसाबका कराते हैं तो नहीं लगता कि ये किसी ऐसे मजमूए की ये अहादीस हैं, ऐसा लगता है ये माहिर फ़न ये बच्चे अपने अपने फ़न के माहिर बस करके और इंतहाई सदासत के साथ इंतहाई खूबसूरती के साथ। तो जब ये किताब और ये निसाब मदरसों की ज़रूरत है तो फिर वो मकातिब जहाँ पर हमारे बच्चे एक घंटे के लिए आते हैं उन मकातिब में इस निसाब की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ज़रूरत है कि सारे मकातिब में भी इसको शामिल किया जाए और जब ये मदारिस और मकातिब की ज़रूरत है तो फिर जितने स्कूल हैं और जितने हमारे कॉलेजेस हैं जो ख़ास तौर से मुस्लिम मैनेजमेंट के अंदर हैं उनके अंदर इन किताबों को इसको बतौर तराने के तौर पर बतौर किताब में शामिल करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि CEO साहब से भी चेयरपर्सन साहब से भी कि इनके इदारों के अंदर तो हैं लेकिन इनसे मुतालिक जो लोग हैं उनको भी दरख्वास्त करके इस किताब को शामिल किया जाए। और पांचवा मरहला है अल्लाह ताला की
अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का, जब ये सारे मरहले इंतहाई खुशनुमा के साथ मुकम्मल हुए हैं, तो अल्लाह ताला की दरगाह से उम्मीद है कि ये मरहला भी इंशाअल्लाह पार होगा। और ये निसाब इस इदारे के मुंतजमीन के लिए, मौलाना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसके अंदर काम किया है या इसे सराहा है या पसंद किया है, उनके लिए नजात उखरवी का जरिया और सबब बनना होगा। हम यहाँ पर मौजूद तमाम बाहिम्मत बाहौसला और अज़म किरदार के बाजियों को, जिनको देख करके हमें जीने का हौसला मिल रहा है, इनकी खिदमत में शेर जिक्र करके मैं अपनी जगह दूंगा कि कैचियाँ कैचियाँ क्या मेरा पर्स काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उठता हूँ।